नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग में कान्हा जी का एक खूबसूरत सा ड्रेस बनाएंगे। मैं इन दो रंगों में बनाऊंगी, आप कोई भी रंग ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कान्हा जी का ड्रेस बनाते हैं। मैंने 14 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं और दो लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे देखिए उल्टे फंदे की एक धारी आ गई है। अब हम इन 14 फंदों को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, ये हमारा फ्रंट का फंदा हुआ। अब उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, ये हमारा फर्स्ट डिवाइडर हुआ। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, ये हमारे आस्तीन का फंदा हुआ। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, ये हमारा सेकंड डिवाइडर हुआ। उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 फंदे हमारे बैक के फंदे हुए। अब उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, ये हमारा थर्ड डिवाइडर हुआ। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, ये हमारा सेकंड आस्तीन हुआ। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, ये हमारा फोर्थ डिवाइडर हुआ। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा और नेक्स्ट फंदा उल्टा, और ये हमारे सेकेंड फ्रंट पार्ट हुए। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उल्टा, नेक्स्ट 2 फंदे सीधा। अब ये देखिए फर्स्ट डिवाइडर है, इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है, और जाली देते हुए 3 फंदे सीधे, ये हमारा आस्तीन का फंदा हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिवाइडर के दोनों तरफ हमने जाली दिया है, तो ये दूसरा जाली हुआ। तो इसी तरह जाली के ऊपर जाली डालते हुए हम 4 जाली कंप्लीट करेंगे। तो 4 जाली कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 4 जाली कंप्लीट कर ली है और चारों डिवाइडरों के दोनों तरफ जाली बनने से हर सीधी लाइन में 8 फंदे बढ़े हैं। तो कुल 32 फंदे, 4 जाली बढ़ने से 32 फंदे बढ़ गए हैं। 14 फंदे से हमने स्टार्ट किया था और 32 फंदे बढ़ जाने से टोटल फंदे हो गए 46। तो अब ये हमारा 11th रो है और हमने फ्रंट के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब जाली से लेकर जाली तक, यानी आस्तीन के सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम घटा देंगे। 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। तो इसी तरह करते हुए हम आस्तीन के 9 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। अब हम, ये डिवाइडर है तो इसको सीधा बुनेंगे और ये फंदा इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, तो हमारा 9वां फंदा भी घट गया। ये देखिए आस्तीन के सारे फंदे घट गए। डिवाइडर को हम बैक में रखेंगे तो बैक के सभी फंदे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम दूसरी आस्तीन के भी 9 फंदे घटा लेंगे, उल्टा बुनते हुए दूसरी आस्तीन के भी 9 फंदे हम घटा लेंगे। डिवाइडर को सीधा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा उठा के चढ़ा देंगे, तो ये हमारे 9 फंदे घट गए। अब शेष फंदे सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम इन सभी फंदों को एक में कर लेंगे
देखिए ये हमारे आस्तीन के फंदे हैं, तो लास्ट फंदे के अंदर से इसको हम ऐसे निकालेंगे। दोनों फंदे देखिए ऐसे क्रॉस हो गए और इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। बैक के सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारे बैक का लास्ट फंदा है और ये फ्रंट का फर्स्ट फंदा, तो इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। अब ये देखिए दोनों फंदे क्रॉस हो गए और दोनों को एक उल्टा बुन लेंगे। दोनों को उल्टा बुन लेंगे, सभी फंदे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों आस्तीन घट गए हैं और 16वीं लाइन और रॉन्ग साइड सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने 16 लाइन कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 17वां लाइन है। आप चाहें तो इसे घटा के यहीं पे चोली ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसमें अब घेरा बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स हमने 14 से बुनना शुरू किया था। ऐसे हर लाइन ये चार जाली बनने से हमारे 32 फंदे बढ़ गए और हो गया 46 स्टिचेस। और हमने 11वें लाइन में ये आस्तीन के फंदे घटा दिए, यानी 18 फंदे घट गए। तो इस समय 18 फंदे घटने से 46 में से 18 फंदे घट गए, तो अब बचे यहाँ पे 28 स्टिचेस। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे में हम एक सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर सीधा बुनेंगे। तो हमने 1 से 5 फंदे बना लिए। नेक्स्ट फंदे में सीधा बुना, उन अपनी ओर किया और सीधा, यानी 3 फंदे बनाया। पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरे में हमने 5 फंदे बनाया, तीसरे में हमने 3 फंदा बनाया। नेक्स्ट में फिर 5 फंदे बनाएंगे, 3 5, अगले में 3 फंदा, 1 उन अपनी ओर किया, 2 हुआ और सीधा बुना, 3। नेक्स्ट में 5 फंदे, 1 उन अपनी ओर किया, 2 सीधा बुना, 3 उन अपनी ओर किया, 4 और 5। तो हम ऐसे ही अल्टरनेट 1 फंदे में 5 बनाएंगे, नेक्स्ट फंदे में हम 3 फंदे बनाएंगे, अगले फंदे में 5 फंदे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे में 3 फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे। एक बार हम 1 से 5 करेंगे, फिर अगली बार हम 1 से 3 करेंगे और लास्ट फंदा इसे हम सिंपली सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय हमारे सिलाई पे हो गए हैं 108 फंदे, 108 स्टिचेस, 108 स्टिचेस हो गए हैं। हमारे पास थे 28 फंदे, तो 14 फंदों को हमने 1 से 5 किया है, यानी हो गए 70 फंदे।
और 12 फंदों को हमने 1 से 3 किया है, यानी हो गए 36 फंदे। और 2 फंदों को हमने सिंपली बुना है, यानी कि 2 ही फंदे रह गए। तो 70, 36 और 2 मिलके होते हैं 108 फंदे, यानी हमारे सिलाई पे इस समय है 108 फंदे। तो अब हम सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 20वीं लाइन में हम दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे और सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 20वीं लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 21वीं लाइन है और सामने से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा। तो हमने 6 फंदों का देखिए 3 फंदा कर दिया है, 6 से हमने 3 फंदे कर लिए। अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे। अगले 6 फंदे हम जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 2-2 फंदों को हम लेंगे और 6 फंदे बनाएंगे। ये हुआ 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने देखिए 12 फंदों से 6 फंदे कर दिए। अब नेक्स्ट उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और 6 फंदों को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए 6 फंदों से 12 फंदे कर रहे हैं और फिर 12 फंदों से 6 फंदे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए 12 फंदों से 6 फंदे कर लिया, यानी कि अब अगले 6 फंदों से हमें 12 फंदे करना होगा, यानी 6 फंदों में जाली देते हुए सीधा बनाना होगा। तो इसी क्रम को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए 6 फंदे बचेंगे, तो इन्हें हम 2-2 को एक साथ लेते हुए 2 का एक साथ लिया और उल्टा बुन लिया, 2 का एक साथ लिया और उल्टा बुन लिया। तो 6 फंदों से हमने 3 फंदे कर लिए। शुरुआत में भी हमने 6 से 3 किया था और लास्ट में भी 6 फंदों से 3 फंदे कर लिए। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे और फिर अब सामने की तरफ से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। सभी फंदे सीधे, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। इस तरह हमने सेकेंडरी कलर से 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर रॉन्ग साइड में हैं और प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और अब हम राइट साइड में हैं। तो मैं डिजाइन फिर से बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का बुनते हुए 2 को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लिया। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुनते हुए 2 का एक। तो 6 फंदों से हमने 3 फंदे बुन लिए। अब ऊन अपनी ओर रहेगा और हम
छह फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, यानी हम छह से बारह फंदे कर लिए हैं, जाली देने से एक फंदा बढ़ गया। तो ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, दो ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, तीन ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, चार ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, पांच ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, छह। तो छह फंदों को हमने जाली देते हुए, प्रत्येक फंदे में जाली देते हुए सीधा बुन लिया। अब नेक्स्ट हम 12 फंदों से 6 फंदे करेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमने जाली दिया तो 6 फंदे बढ़ गए। तो अब यहाँ पे हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनेंगे, यानी कि तो जाली देने से हमारे फंदे बढ़ जा रहे हैं और दो दो फंदों को एक साथ लेके बुनने से फंदे घट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे बढ़ाए और यहाँ पे हमने 6 फंदों को घटा दिया, तो हमारे फंदे बैलेंस हो गए। फिर अगले 6 फंदों को जाली देते हुए हम सीधा बुनेंगे, 6 फंदों को, प्रत्येक फंदों को जाली देते हुए सीधा, तीन चार पांच और छः। तो हमने 6 फंदों से 12 फंदे कर दिया। अब उन अपनी ओर करेंगे और 12 फंदों को 6 फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 फंदों को 6 फंदे बना लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक बार 6 से 12, दूसरी बार 12 से 6 फंदा बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत में भी हमने 6 फंदों से 3 फंदे किए थे और लास्ट में भी देखिए 6 फंदे बचे हैं, तो इन्हें दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए हम 3 फंदे बना लेंगे। यानी डिज़ाइन का आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इधर। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे और सामने की तरफ से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो चार लाइन का ये डिज़ाइन है और हम उनका कलर बदल बदल के हम इसे, इन्हीं चारों लाइनों को हम दोहराते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चार डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, 1, 2, 3 और 4। और अब हम प्राइमरी कलर के धागे को काट लेंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और गांठ लगा लेंगे। अब सेकेंडरी कलर के उनसे सभी फंदे उल्टा बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे उल्टे बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड से भी, अब हमें सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है, राइट साइड से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी उल्टा, तो दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो इस तरह हमें चार लाइन कंप्लीट करना होगा। ये हमारा दूसरा लाइन है, तो तीसरा लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैंने 3 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं और ये चौथा लाइन है। तो इस लाइन में हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, फिर
बाएं सिलाई पे फंदा चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। अब इस फंदे को वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। देखिए हमारे फंदे ये घटने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो फंदों को क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। फंदों को हम ढीले हाथ से ही उतारेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे वरना इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो सारे फंदे क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे क्लोज हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे और इस फंदे में से धागे को निकाल लेंगे और इसे टाइट करेंगे। देखिए हमारा ये कान्हा जी का पोशाक बनके तैयार है। अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है। तो सिलने के लिए हम इसे उल्टा कर लेंगे। और ये देखिए हमने पहला फंदा उल्टा बुना था, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 गांठ आए हैं। तो यहाँ पे हम अपना सुई अटैच करेंगे, यहाँ पे हम अपना सुई लगाएंगे और दोनों सिरे को ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे। और यहाँ पे हम दो बार ऐसे सिल लेंगे ताकि मजबूत हो जाए। और जहां तक ये सफेद पोर्शन है वहां तक हम सिल लेंगे। अब हम गुलाबी वाले पोर्शन को छोड़ देंगे और सफ़ेद वाले पोर्शन को सिलते समय ध्यान देंगे कि ये जो थ्रेड है वो अंदर नहीं, वो पकड़ में नहीं आना चाहिए, वरना उस साइड से ये दिखाई देगा। फिर गुलाबी पोर्शन को छोड़ देंगे और सफेद वाले पोर्शन को सिलेंगे और सिलते समय ध्यान देंगे कि ये जो गुलाबी धागा है ये पकड़ में नहीं आना चाहिए, इसको किनारे कर लीजिए और तब सिलाई करिए। और धागे को ऐसे लपेट के फंसाते हुए ले जाएंगे और इसे काट देंगे। अब हम गुलाबी ऊन में सुई डालेंगे और गुलाबी वाले पोर्शन को सिलना शुरू करेंगे। हम चाहे तो सीधी तरफ से भी सिलाई कर सकते हैं। फिर सफेद वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे
सफेद वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। थ्रेड को कुछ दूर तक ऐसे फंसाएंगे और उसके बाद, और देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी का सुंदर सा पोशाक बनके तैयार है। कान्हा जी का सुंदर सा पोशाक बनके तैयार है। ये फ्रेंड्स, कान्हा जी का सुंदर सा पोशाक बनके तैयार है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।